नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मणिपुर के उखरुल कस्बे में गुरुवार रात को पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में लूट की बड़ी घटना हो गई है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उखरुल में स्थित पीएनबी की ब्रांच में अज्ञात हथियारबंद डकैतों ने डाका डाल दिया है। 18.85 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि 8 से 10 हथियारबंद लोगों ने दोपहर बाद उखरुल शहर के व्यूलैंड वन में स्थित पीएनबी बैंक की ब्रांच में धावा बोल दिया। उन्होंने कहा कि जब बैंक पर बदमाशों ने धावा बोला, उस समय कर्मचारी दिन भर के लेन देन के बाद पैसे गिन रहे थे। पुलिस के मुताबिक हथियारबंद बदमाश पैसे गिनते कर्मचारियों तक पहुंचे और 18.85 करोड़ रुपए लूट लिए। कथित तौर पर अज्ञात नकाबपोश लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और पीएनबी शाखा के कर्मचारियों पर कब्जा कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों और बैंक के कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रस्सियों से बांध दिया गया और नकदी लेकर भाग गए। हथियारबंद लोगों ने स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचा और बैंक प्राधिकरण के इस बारे में पुलिस में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक में इतनी बड़ी लूट के बारे में पता चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने लुटेरे को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया। बता दें कि 7 महीने पहले भी मणिपुर में भड़की जातीय प्रदर्शन के बाद उखरुल कस्बे में पहली बार लूट की इतनी बड़ी घटना हुई है। इससे पहले जुलाई में चुरा चांदपुर में एक्सिस बैंक की एक शाखा से सशस्त्र गिरोह ने 1 करोड़ रुपए की लूट की थी। बता दें कि मैताई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष के चलते मणिपुर इस साल लंबे समय तक अशांत रहा था, लेकिन इस समय बहुत ही बड़ी डकैती हुई है। बैंक कर्मचारी गिन रहे थे नोट, तभी बदमाश आए और लूट लिए 18.85 करोड़ रुपए। पूरी बैंक में हड़कंप मच गया है। फिलहाल दोस्तों आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब तक की सबसे